एक ऐसी मूवी जिसका नाम सुनते ही दिमाग में शाहरुख खान का नाम दौड़ने लगता है, जिसमें हमें शाहरुख खान एक विलन के कैरेक्टर में नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की वन ऑफ द मस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी डॉन 2 की। वैसे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉन 2 की बिहाइंड द सीन, वो भी कम्प्लीट डिटेल के साथ। और हाँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी के सबसे फेमस सीन की। जब हमें शाहरुख खान बिल्डिंग से उतरते नजर आते हैं, तो इसमें आप जो बिल्डिंग देखते हो वो वास्तविकता में थी। इसे कोई VFX या CGI की मदद से नहीं बनाया गया था, लेकिन इसी शूटिंग में शाहरुख खान की सेफ्टी का पूरी तरह से ध्यान दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हो शाहरुख खान को इस सीन की शूटिंग करते, जिसमें हमें शाहरुख खान कुछ मस्ती भी करते नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म में हमें जो ब्लास्ट का सीन दिखाया गया, वो ओरिजिनल में ब्लास्ट किया गया था। वैसे इस सीन में हमें जो कुछ पुलिस वाले बम के धमाके से उड़ते दिखे, तो उसे एक मशीन के द्वारा किया गया था, और उसके आगे कुछ गद्दे भी बिछाए गए ताकि स्टंटमैन को चोट न लगे। वैसे इस मूवी में ना के बराबर VFX और CGI का यूज किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस मूवी में एक ऐसा गाना है जो कि पूरा का पूरा VFX और CGI की मदद से बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुश्मन मेरा सॉन्ग की, जिसकी शूटिंग में आप देख सकते हो प्रियंका चोपड़ा को डांस करते हुए, जिसमें प्रियंका का ड्रेस उड़ रहा था। वैसे इसके लिए सेट पर बहुत सारे पंखे लगाए गए थे। शुरुआत में तो इनके कपड़े जैसे तैसे उड़ने लगे, इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर इनके कपड़े को अच्छे से मेंटेन किया। इसके बाद इस सीन की शूटिंग की गई। वैसे इस सॉन्ग में हमें जो प्रियंका उड़ते हुए दिखती है, तो उसे एक रस्सी की मदद से की गई थी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसी सॉन्ग के सीक्वेंस में जो आग का सीन दिखाया गया था, वो भी CGI और VFX की मदद से बनाया गया था, मगर इसकी शूटिंग में आग वाली मशीन से ओरिजिनल में आग को लाया गया था, ताकि VFX का यूज बहुत ही अच्छी तरह से किया जाए। यह सीन तब की जब शाहरुख और बोमन ईरानी आपस में फाइट करते हैं। वैसे फाइट सीन की शूटिंग के लिए शाहरुख को शूटिंग के एक दिन पहले सभी एक्शन को प्रैक्टिस कराई गई थी, ताकि शूटिंग के वक्त कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा दोस्तों, इस मूवी में जो कार चेजिंग का सीन था, उसे करने के लिए शाहरुख को एक्शन टीम के साथ कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो शाहरुख खान को कार चेजिंग की प्रैक्टिस करते। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस मूवी के अगले सीन पे, जहाँ पर हमें शाहरुख खान फाइट करते नजर आते हैं। वैसे सीन की शूटिंग हुई थी लंका सुवाई आइसलैंड पे, जो की मलेशिया में है, और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है, जिसके कारण यहाँ फसूर करने में शाहरुख खान को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर इस मूवी के एक्ट्रेस को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि उनका मेकअप गर्मी के कारण उतर जा रहा था। इसलिए यह एक्ट्रेस अपने पास एक छोटा सा फैन भी रखी हुई थी, ताकि पसीना ना आए। वैसे इस आइसलैंड में फाइट सीन की शूटिंग हुई थी, जिसकी भी बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। यह शूटिंग सीन तब की जब शाहरुख खान प्रियंका को उठाकर ले जाते हैं। वैसे इस सीन की शूटिंग बर्लिन में की गई थी, जो कि जर्मनी में है। वैसे जब शाहरुख खान बर्लिन गए, तो वहां पर भी इनके इतने सारे फैंस मिले, जिसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं इस मूवी के सॉन्ग जरा दिल को थाम लो सॉन्ग की शूटिंग में। वैसे इस सॉन्ग को गाया विशाल दरलानी और अनुष्का मणि ने, और इस सॉन्ग की शूटिंग मुंबई के एक स्टूडियो में की गई थी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इस सॉन्ग की शूटिंग होते। इसके अलावा इसी सॉन्ग के सीक्वेंस में जो शाहरुख खान ताश के पत्ते को उड़ाते हुए दिखते हैं, तो इसके लिए शाहरुख को बहुत बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ी थी, और एक मैजिशियन भी आया था शाहरुख को सिखाने की ताश के पत्ते को कैसे हाथों से उड़ाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो कर दे लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।